Good morning, Rockstars. It is 10:36 in the morning, and today is 3rd of August. Good boy! Alright, so it's been 5. Rambo, sit! Rambo, sit! Good boy! Handshake karo. Good boy. Other end. Good boy. All right, so it's been quite a long time ke maine aise camera nahi uthaya aur vlog nahi kiya, kyunki the last time I remember jab maine vlog kiya tha, that was during the time of Nepal, jab main Feb ko nikla tha ghar se aur pahuncha tha March ko. तो नेपाल का सीरीज तो खत्म हो गया, उसमें उतना ज्यादा तो रिस्पॉन्स आया नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था इसको अपलोड करने के लिए. लेकिन जो क्रैश वाला व्लॉग है उसमें आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, आप लोगों ने समझा, एंड यू गाइज आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस के मैं ठीक हूँ कि नहीं. जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये नेपाल का सीरीज खत्म करते करते मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, तो जिसके वजह से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉकी. आज है आपका 3rd of August और आज क्या क्या करने वाला हूँ मैं पूरे दिन में, वो सब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ. अभी का जो टाइम है इट्स 10:39. मैं वैसे अभी तो नहीं उठाऊ, लेकिन मैं उठा था अराउंड 6 बजे, और 6 बजे उठने के बाद मैंने क्या किया है वो सब आप जाके देख लो. गुड मॉर्निंग रॉकस्टार्स, ये हमारे सत्यजीत भाई से अभी जा कहाँ पे रहे वो आप लोग को पता चलेगा. ऐसे इंसान हो तुम, मिले हमारे सुमन भाई से. वो मैंने प्यार किया वाला सुमन नहीं, पूरा सुमन हो तो कल सुंदर. हाँ पूरा सोना होता, सोना होता. और ये हमारे जॉनी भाई, जॉनी जहाँ जहाँ ये जाते वहाँ वहाँ ये हाजिर हो जाते. हैप्पी बर्थडे भाई. आप लोगों ने रात के 12 बजे सरप्राइज देते हुए सुना होगा, लेकिन सुबह के 5 बजे सरप्राइज देने का प्लान था. आज है अपने भाई का बर्थडे, वेलकम मंगवाई इधर पे. ये वाला पार्ट थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, बट देन ये मैटर नहीं करता. मैटर ये नहीं करता कि केक का हुलिया कैसा है, मैटर ये करता है कि आप इतने प्यार से केक को लाए हो. लीजिए आपका हथियार, लीजिए विनाश. हैप्पी बर्थडे. बर्थडे पार्टी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, अभी वापस से जाते हैं पुराने वाले सीन में. देख लिया भाई का बर्थडे था आज, वो तो खत्म हो गया और फिर मैं घर पहुंच गया था, एंड घर पहुंचने के बाद मैं वापस से सो गया था, और वापस से सोने के बाद फिर मैंने सोचा कि नए कैमरा से व्लॉग करते हैं. और अभी क्योंकि हम नए कैमरा की बात कर रहे, क्यों इसे भाई शांति से व्लॉग भी नहीं करने देते. एक्चुअली जब से मैं उसको लाया हूँ तब से वो देख नहीं रहा है कि मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, तो आज आई गेस वो पहली बार देख रहा है कि सामने कोई है नहीं और मैं किसी एक अनजान किसी एक नॉन लिविंग बीइंग से मैं बात कर रहा हूँ. इसके वजह से आई गेस रैम्बो को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी हम लोग नए कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं. तो अभी क्योंकि कैमरा का बात हो रहा है, आई गेस अभी आप लोग ये समझ चुके होंगे ऑलरेडी कि ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ आई एम शूटिंग विद माई ब्रांड न्यू कैमरा, जो कि टाइटल और थंबनेल देख के तो आई गेस आप लोग अंदाजा ऑलरेडी लगा चुके हो. जी हाँ, आई एम यूजिंग द ऑल न्यू सोनी A7IV, जो कि एक मिररलेस कैमरा है एंड इज डेफिनेटली अ प्रोफेशनल वन. तो देखो बॉस, ये कैमरा को लेने के लिए मेरा जितना भी सेविंग्स था, जितना भी पैसा मैंने बचा के रखा था फॉर माई अपकमिंग राइड्स, फॉर माई अपकमिंग ट्रिप्स, सब कुछ मैंने इस पूरे सेटअप में लगा दिया है. सो दिस इज इट, ये है मेरा ऑल न्यू सोनी A7IV कैमरा. ये माइक में पुराना यूज कर रहा हूँ, और ये जो गोरिल्ला पॉड है ये जोबी का 5 किलो तक का वेट झेलने वाला गोरिल्ला पॉड है, और ये मुझे पड़ा अराउंड 11,000. इसका बॉडी प्राइस है 20,000. ये पूरा सेटअप मिला के इंक्लूडिंग द लेंस एंड एवरीथिंग एक्स्ट्रा बैटरी के साथ मुझे सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए पड़ा है. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. इसको खरीदने का मेन रीजन ये है, पहले कभी मैंने
YouTube का एज अ प्रोफेशन देखा नहीं है, एज माई डेली थिंग उसको मैंने देखा नहीं है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी भी, मेरा 90,000 सब्सक्राइबर्स होगा, मैं 1,00,000 के इतना ज़्यादा करीब होऊंगा। तो अब जाके जब मैं देख रहा हूँ कि आई एम डेफिनेटली गेटिंग रिजल्ट, सो जिसके वजह से मैंने सोचा कि मुझे कैमराज अच्छे लगते हैं, मुझे वीडियो शूट करना अच्छा लगता है, मुझे फोटोज खींचना अच्छा लगता है, तो जिसके वजह से आई थॉट अबाउट इट अ लॉट एंड आई फाइनली डिसाइडेड टू गेट माई सेल्फ अ ब्रांड न्यू मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा, जो कि है ये। हालत देखो यार रूम का, यहाँ पे इसका टेडी, इसका खिलौना, इसका खाने का सामान, सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। मैं सब कुछ संभाल के रखता हूँ और ये सब कुछ बिगाड़ के रखता हूँ, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते यार, प्यार जो करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इस कैमरा के बारे में अगर मैं अभी बताने जाऊंगा देन बहुत ही ज्यादा टाइम चला जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो एंड आप लोग को भी देखने में मजा नहीं आएगा क्योंकि मैं टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। दिस इज इट फॉर द कैमरा और आगे चलते चलते आने वाले व्लॉग्स में आप लोग को हर एक चीज पता चलेगा इस कैमरा के बारे में, जो कि मैं थोड़ा बहुत करके आप लोग को बताता रहूंगा। जाओ, गुड बॉय। वैसे पहले कभी मैंने इतने अच्छे तरीके से लाइफस्टाइल व्लॉग बोल लो, डेली व्लॉग बोल लो, इतने अच्छे तरीके से मैंने कभी शूट नहीं किया। ये है अपना पुराना वाला रूम, रैम्बो का जो खाना वगैरह रहता है, हगना वगैरह रहता है, वो सब मेरे पुराने वाले वॉशरूम में रहता है। और उसका नॉनवेज खाने का रूम भी यही है क्योंकि घर पे मम्मी जो है, मम्मी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग वेज एंड नॉन वेज, तो नॉनवेज का खाने का जगह अलग से है। मिस तो बहुत करते हैं अपने पुराने वाले रूम को, लेकिन फिर A change is definitely required in everybody's life. अभी का जो वेदर है बहुत ही ज्यादा सनी है। ये जो जगह है, ये जगह रैम्बो का वन ऑफ हिज फेवरेट स्पॉट है। जस्ट लुक एट हिज एक्साइटमेंट लेवल, बहुत ही ज्यादा खुश है अपना रैम्बो जब भी मैं उसको बेल्ट पहनाता हूँ, क्योंकि उसको समझ आ चुका है कि मैं उसको बाहर लेके जा रहा हूँ। Come on, run! तो ऑलमोस्ट हर एक दिन मैं सुबह को आधा घंटा या फिर शाम को आधा घंटा ऐसे करके एटलीस्ट एक घंटे का उसका दिन में थोड़ा बहुत रनिंग का, वॉकिंग का सेशन चलता रहता है। Come on, jump! Good boy! पूरा सटक गया है इसका अभी। ये रैम्बो को कहीं पे वॉक के लिए लेके जाना या फिर कहीं पे घूमने लेके जाना इस काइंड ऑफ अ टास्क, क्योंकि ये जब भी किसी को देखता है पूरा पागल हो जाता है एंड सबके ऊपर कूद पड़ता है। एंड इट इज जस्ट बिकॉज के बचपन से ही रैम्बो बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ घुल मिलते आ रहे हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं सब लोग जब भी आते हैं घर पे रैम्बो से मिलके जाते हैं, रैम्बो को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। बचपन से ही रैम्बो जो है इंसानों को देख के भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा सोशलाइज हो चुके हैं। तो वैसे रैम्बो को मैं ऊपर लेके आ गया था बहुत टाइम पहले, करेंटली द टाइम इज 2:32 और अपने को अभी फिलहाल निकलना होगा क्योंकि अपना भाई जो है नीलांजन, इफ यू गाइज आर नॉट न्यू टू माई चैनल देन यू गाइज मस्ट डेफिनेटली नो नीलांजन। एक्चुअली ये प्लान कल बना था कि आज अपन जाएंगे उसके कॉलेज में 3 बजे, अपने पास सिर्फ आधा घंटा रह गया, 3 बजे उसको पिक करेंगे एंड वील गो नियर छिपाई जौला विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिपुरा। इस कैमरा के साथ कुछ शूट वूट करेंगे, बहुत टाइम के बाद आज हम मोटो व्लॉग करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम लेट्स स्विच टू माई मोटो व्लॉगिंग सेटअप एंड देन लेट्स टॉक। All right, so all set to leave. आज बहुत टाइम के बाद, आई रिपीट, बहुत बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद मैं आज निकलने वाला हूँ और मोटो व्लॉग करने वाला हूँ। आई मीन मोटो व्लॉग करके निकलने वाला हूँ। निकलता तो हर रोज ही हूँ लेकिन मोटो व्लॉग नहीं करता। फिलहाल यहाँ पे अपने रैम्बो को बाइक करना होगा एंड ये देखो पूरा समझ गया कि मैं निकलने वाला हूँ। जाओ, ये देखो, जाओ जाओ जाओ, हरनिया तो के जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता लेकिन क्या कर सकते हैं यार, सो मेनी राइड्स, कितने सारे मेमोरीज है यार अपने इन दोनों बेबीज के साथ। लेकिन आज हम लेके जाने वाले रॉकी को। आओ,
तो अपने बिल्डिंग में अपने कुछ रॉक स्टार्स रहते हैं। ऑलराइट, ऑल सेट टू लीव। मैंने अभी अभी नोटिस किया कि अभी तक जो मैं शूट कर रहा था गोप्रो के साथ, सब कुछ ब्लर आ रहा था क्योंकि मैं एसी से निकला था। ओह शिट, इट्स रेनिंग मैन, इट इज रेनिंग। अभी तक मौसम पूरा साफ था, धूप था, लेकिन जैसे ही अपन निकले इट स्टार्टेड टू रेन। और अपने को फिलहाल लेना है यहाँ से लेफ्ट, दिस इज द बाईपास रोड जो कि आपका खैरपुर से, दिस प्लेस इज कॉल्ड खैरपुर जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो कि आपका खैरपुर से लेके जाएगा सीधा आपका हपानिया, और हपानिया क्रॉस करने के बाद आएगा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जहाँ पे फिलहाल मेरे को जाना है नीलांजन को पिक करने के लिए। इट फील्स ग्रेट मैन, इट फील्स अमेजिंग टू बी बैक ऑन रोड राइडिंग रॉकी एंड टू मोटो व्लॉग। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। Yeah, baby! Woo! The famous 14 goddess temple. कुछ दिन पहले यहाँ पे खारची पूजा हुआ था जो कि हमारे त्रिपुरा का वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है अपार्ट फ्रॉम दुर्गा पूजा। एंड दुर्गा पूजा के बाद खारची मेला के लिए सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, स्पेशली मैं तो रहता हूँ क्योंकि बचपन से बहुत बहुत सारे मेमोरीज थे यार खारची मेला के। ओह शिट, इट हैज स्टार्टेड टू रेन वंस अगेन एंड आई गेस अपने को यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि आई डोंट वॉन्ट माई कैमरा टू गेट वेट। आई शुड स्टॉप हियर। थैंक यू आपको। अनफॉर्चुनेटली अपने को रुकना पड़ा यहाँ पे क्योंकि बरसात बहुत तेज हो रहा है, तो जब तक बारिश रुकता नहीं है अपने को यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। सैड लाइफ। One hour later. आएगा है फाइनली, अब जाके बारिश रुका यहाँ पे। अभी सीन ये है कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करोगे कि बारिश के बाद लगता है कि सेचुरेशन लेवल 100 से लेके 120 तक हो जाता है। ये देखो, लग रहा है कि सब कुछ एकदम नया नया है, ब्रांड न्यू है। जितना भी सब कुछ धूल मिट्टी है सब धुल जाता है। ओ ट्रेन, अभी ट्रेन के साथ एक रेस हो जाएगा। मेरी जगह कोई दूसरा ब्लॉगर होता तो वो टाइटल देता कुछ ऐसा कि रेसिंग रेसिंग ऑन अ हिमालयन विद अ ट्रेन। सो वी आर हियर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा। अभी अपना नीलू भाई किधर है उसके लिए इंतजार करना होगा यहाँ पे। भाई अपना हार्ड है। केरो मासोस भाई। हेलो। दे तो अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं भाई का, जस्ट इन केस अगर आप लोग को पता नहीं है ये कौन है। हिज नेम इज मिस्टर नीलांजन दत्त, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजेंड भाई। तो ग्लव्स मैंने फिलहाल निकाल दिया। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। आज लास्ट एग्जाम था ना? लास्ट एग्जाम। सही है सही है। तो अभी फ्यूचर प्लान क्या है भाई? फ्यूचर के लिए कोई प्लान ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फ्यूचर प्लान ये है कि अपने दोनों का राइड होने वाला है बहुत जल्द। अपने को लगता नहीं है कि हम ड्रोन उड़ा पाएंगे, और अगर आज उड़ा लिया दिन कभी और उड़ा नहीं पाएंगे। भयंकर वाला बारिश आने वाला है। ओके सो रुकावट के लिए खेद है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन और कर भी क्या सकता है क्योंकि कल ना ही शूट हो पाया, ना ही हम लोग ड्रोन शॉट ले पाए, ना ही जिस जगह पे पहुंचने का था वो जगह पे तो हम पहुंच चुके थे लेकिन फिर वो जगह क्लोज हो चुका था। सो द ओनली थिंग जो हम लोग के साथ कल हुआ था वो ये था कि हम कल भीग के घर लौटे थे। We were completely drenched with rain. Trust me, मुझे और व्लॉग करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था, तो जिसके वजह से इस व्लॉग को मैं फिलहाल अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो ये व्लॉग जो है ये बस कुछ ही घंटों में अपलोड होने वाला है, एंड एक छोटा सा अपडेट आप लोग को देना था
जितने भी लोग नॉर्थ साइड से है, अम्बसा बोल लो, कुमारघाट साइड बोल लो, तो कुमारघाट में मैं कल जा रहा हूँ ऑन द 6th of August रैम्बो को लेके जा रहा हूँ, उसके मम्मी पापा के साथ मिलाने के लिए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनके साथ मिलाने के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ पे 2-3 दिन रहने का प्लान है, बीच में सोनबिल भी जाने का प्लान है। सो इफ यू गाइस आर आल्सो फ्रॉम असम, अगर वहां से कोई लोग देख रहे हैं डेफिनेटली मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कैच अप विद यू गाइस कहीं भी। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, ये था डेली व्लॉग सीरीज का पहला एपिसोड, तो इस व्लॉग को फिलहाल यही तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ कल या परसों, क्योंकि हफ्ते में 3-4 वीडियोस तो आने वाले। सो लेट्स कीप दिस व्लॉग टिल हियर, आई विल सी ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड सायोनारा। सो विद रैम्बो हियर बाय आवर साइड, लेट्स कीप दिस व्लॉग टिल हियर, मिलते हैं अगले व्लॉग में, रैम्बो से बाय। Bye!